हेलो वीडियो नाथ, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आप लोग के बीच एक वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि एक ट्रैक्टर को पदलिंग के साथ जो है जोतने के बाद जो ट्रैक्टर में कचरा जो जम जाता है, जो कि धूल मिट्टी जो जम जाता है, उसको साफ कैसे करें घर पे और किस तरह से धुलाई करें, तो उसके बारे में एक वीडियो लेकर के आए हैं आप लोग के बीच। ये देख सकते हो हमारे साथ पास जो है लगा हुआ है पीछे, ये मेरा ट्रैक्टर महिंद्रा जीवो 245 DI ट्रैक्टर है। इसको अंदर जो है पदलिंग में हम चलाए हुए थे, तो जो है ना वॉश नहीं किए थे, तो सफा सुथरा जो है इसको नहीं किए थे, इसीलिए जो है बहुत सारा जो है इसके अंदर धूल मिट्टी जम गया है। तो इसके बारे में वीडियो आप लोग के लिए जो है सोचे वीडियो बना करके डाल देते हैं, आप लोग को जो है थोड़ा समझ में आ जाएगा जो किस तरह के तरीके से जो है अपने घर पर हम ट्रैक्टर को धो पाएंगे। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ आप लोग को जो कितना कचरा है हमारे ट्रैक्टर के ऊपर, जो है कितना कचरा लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, धूल मिट्टी। तो जैसे कि देख सकते हो आप लोग कितना सारा कचरा है, ये आगे पीछे सगदर हर एक साइड में बहुत सारा कचरा है। ये पूरा कचरा जो है जितना भी कचरा है दिख रहा है आपको, ये पूरा कचरा एक ही बार में साफ हो जाएगा। आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से अपने मोटर पे किस तरीके से धुलाई करेंगे इसको। देख सकते हो कितना सारा कचरा है, ये मिट्टी जम गया है पूरा, ये देख सकते हो बोनट के अंदर भी। तो बने रहिए हमारे साथ, जो इसको जो है देसी जुगाड़ से कैसे धोया जाता है अपने घर पे इस ट्रैक्टर को जो पदलिंग में चलाने के बाद। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको जो कौन सी चीज़ से जो है हम धोते हैं इसको, जो एक ही बार में साफ हो जाएगा। प्रेशर अपने घर पे कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि देख सकते हो ये प्रेशर मशीन जो है ये मोटर पे जो है हम लगाए हुए हैं, ये नली जो है, ये नली वहाँ पे मिलेगा आपको मुंबई के अंदर, जो है ये लूम चलाने में जो है ये इस्तेमाल होता है कांटी भरने में, तो सबको पता है जो मुंबई के अंदर जो है कपड़ा बिनाया होता है, तो इस तरीके से ये कांटी लगता है, इसके अंदर जो है धागा लपटा रहता है, तो ये मंगवा सकते हो वहाँ से। और किस तरीके से कितना फास्ट रहेगा इसके अंदर जो है प्रेशर, तो वो दिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं सबसे पहले अपने मोटर के पास लेकर के चलते हैं, जो हमारे पास मोटर कितना HP के है तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो जब तक लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, वहाँ तक लेकर के चलता हूँ, इस रास्ते से चलेंगे। जैसे कि हम बताए आप लोग को जो अपने मोटर के पास लेकर के चलते हैं, तो ये रहा मेरा मोटर जो है यहाँ पे, जो कि 1 HP मोटर है, इसका लोगो जो है अंदर की तरफ होगा, इसीलिए हमने बात दिखाएंगे आप लोग को। तो आप लोग सोचते होंगे कि इतना सारा कंडेंसर जो है किस लिए जुड़े हो, तो ये कंडेंसर जो है मेरा जो है ये लीक कर दिया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये कंडेंसर के अंदर कुछ भी जान नहीं है, थोड़ा भी लोड देते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिक लोड कम हो जाता है, मोटर का स्पीड कम हो जाता है। तो ये खराबी की वजह से जो है मेरा मोटर जो है अति हो जाता है, कम हो जाता है स्पीड। तो आज हम जो है इसके लिए कंडेंसर उस दिन ढूंढे तो नहीं मिला, तो इसलिए हम ये इतना सारा ये फाइन कंडेंसर जो है जोड़ दिए थे। तो आज हम लेकर के आए यहाँ पर एक मोटर, पुराना मोटर में से हम छुड़ाए हुए थे बहुत दिन पहले, ये 15 MFD का है, 15 MFD का, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में। तो इसको जो है हम लगाएंगे इसके अंदर, तो चलिए जब तक हम वीडियो को रोकते हैं इसको लगा लेते हैं, जो फास्ट हो जाएगा मेरा ये जो है मोटर फास्ट हो जाएगा, तो लगा लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे फिर से हम लेकर के आ गए आप लोग को, तो देख सकते हो मोटर चालू कर चुके हैं, तो मैं आप मोटर में जो है अब प्रेशर जो है बहुत अच्छा से बन गया है, ये देख सकते हो कितना हार्ड प्रेशर है, ये थोड़ा भी मिट्टी नहीं लगने देगा यहाँ पे, एक ही बार में साफ हो जाएगा। तो देख सकते हो इस तरीके से ये साफ होते जा रहे हैं। तो ये प्रेशर बनाने के लिए आप लोग को जो है वहाँ से मंगवाना होगा, यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा कचरा है एक ही बार में, मेरे मोबाइल के ऊपर जो है बहुत आ रहा है पानी,
ये प्रेशर इतना ही है ना, जो थोड़ा भी कचरा जो है यहाँ पे लगने नहीं दे रहने देगा। यहाँ पे देख सकते हो पूरा अच्छे तरीके से एक ही बार में साफ हो जा रहा है। तो आप लोग को जो है इसी तरीके से घर पे धो लेना चाहिए। ये देख सकते हो एक भी कचरा नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम बाद में दिखाएंगे तब, अभी तो सबसे पहले इसको हम मार लेते हैं एक बार, जितना भी है पूरा मार लेते हैं हर एक जगह जो प्रेशर जो है मार देते हैं। इसके बाद जो है दिखाएंगे आपको जो कहाँ तक साफ होता है और कितना साफ होता है एक बार में। तो जब तक हम वीडियो को फिर से रोकते हैं भाइयों, तो भाइयों आप देख सकते हो, आप लोग को दिखाना भूल गए थे इस साइड से, तो इस साइड से देख सकते हो कितना सारा कचरा है अंदर में। ये पूरा जो है एक भी कचरा जो है नहीं रहेगा इसके अंदर, एक ही बार मारेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा जितना भी ये मिट्टी है। ये देख सकते हो कितना आसानी से बखूबी आसानी से ये साफ हो जा रहा है। मेरे कैमरे के ऊपर जो है थोड़ा मिट्टी आ गया है, तो थोड़ा देख लेते हैं। मेरे कैमरे के ऊपर जो है बहुत सारा मिट्टी आ गया था, इसीलिए जो है कैमरा में नहीं दिखता होगा। तो जैसे कि देख सकते हो आप लोग कितना सारा कचरा है, ये पूरा एक ही बार में साफ हो जाएगा अंदर में। ये सब जो है पूरा बिल्कुल साफ हो जाएगा एक ही बार मारेंगे तो। तो इसी तरीके से आप लोग को धोना होगा। तो जब तक फिर से हम वीडियो को रोकते हैं। तो भाइयों देख सकते हो ये इसको जो है हम पूरा वॉश कर चुके हैं, पूरा वॉश हो गया है ये अच्छी तरीके से, कहीं पे भी धूल मट्टी नहीं है। ये पील के ऊपर में जो है थोड़ा है, तो वो जो है चलने के बाद जो है ऐसे भी साफ हो जाएगा। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से ये क्लीन हो गया है। तो इसी तरीके से आपको क्लीन होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भाइयों, इसके आगे वीडियो जो आएगा वो आएगा जो इसका एवरेज कितना है, तेल का एवरेज कितना है, डीजल का, तो उसका वीडियो आएगा। तो उसके लिए जो है हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हमें वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास पहुँच जाए, जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।